Hi friends, welcome back to my YouTube channel, and those who are new, welcome to my channel Food is Good with Seba. I hope you all are fine and doing well. So guys, finally बहुत late हो चुका है, but बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत interesting vlog रहेगा. तो video के last तक बने रहिएगा, video को पूरा देखिएगा और कोई भी part skip नहीं करिएगा. And अच्छी लगे तो like, share, subscribe करना ना भूलें. चलिए हमारे साथ, अभी हम लोग मेट्रो जाएंगे तो मज़ा आने वाला है. बहुत दिन मेट्रो जाने के लिए हम पहले लेंगे ऑटो, क्योंकि ऑटो हमें ड्रॉप करेगा मेट्रो तक. सो या फाइनली रीच टू मेट्रो. वैसे हमारी फाइनल डेस्टिनेशन तो कुछ और है, तो चलिए अभी हम लोग चेक इन करेंगे. वही यहाँ पर होता गया है, सबको पता ही होगा, जो दिल्ली से हैं, जो हमारे पास कैरी बैग्स है, जो भी है उसकी चेकिंग होती है, हमारी होती है. फिर हम लोग को एंट्री मिल जाती है. मेट्रो स्टेशन पर हैं हम लोग और अभी मेट्रो का वेट कर रहे हैं, फिर मेट्रो आ जाएगी. अभी आपको आते हुए दिखेगा. निकल गए, रहिएगा मेरी पूरी वीडियो के साथ और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड बहुत मज़ा आने वाला है. थोड़ा सा मैं सस्पेंस रखने वाली हूँ कि हम, वैसे टाइटल से तो आपको देख कर पता चल ही जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं. ये मेट्रो आ रही है. अल्लाह कहते हैं मेट्रो भी नहीं आ रही है. मैं ऐसे लोगों के साथ आई हूँ कि मेट्रो भी नहीं आ रही है, कि अंदर से आ रही है बट अंदर जाने वाली है वो नहीं आ रही है. ये अच्छी वाइस कुछ लोग कह रहे हैं अब आएगी मेट्रो, लेकिन आ ही रही है मेट्रो. मैं चाह रही हूँ मैं ऐसे करके कैप्चर करके दिखाऊँ कि पीछे से मेट्रो आ रही है लेकिन आ नहीं रही है. वाइस मेट्रो आ गई, सही में आ गई, सही में आ गई. हम लोग चले, अब चलिए हमारे साथ. सो या फाइनली हम लोग इस होप के साथ मेट्रो में गए, क्योंकि आज संडे था कि पूरी सीट शो होगी, हम लोग आराम से बैठ के जाएंगे. वैकेंट होगी, वीक ऑफ वाले दिन तो लोग ज़्यादा मेट्रो में होते नहीं हैं, बट ये अपोजिट हो गया. आज के दिन भी उतनी ही भीड़ थी जितनी रोज़ होती है. वीकेंड का कोई दिखा ही नहीं कि हाँ वीकेंड किसी का ऑफ है. सो गाइस हमने सोचा चलो, एक तो मेट्रो देर से आई, ऊपर से सीट भी नहीं मिली, ऊपर से लंबा सफ़र था, और मैंने सोचा था मैं कंफर्टेबली बैठ के सीट पर आपसे बातें करूँगी जिससे मुझे बाद में वॉइस ओवर करने की ज़रूरत ना पड़े. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, हौस खास आया. हमने सोचा हौस खास पर थोड़ी मेट्रो खाली हो जाएगी, वो भी नहीं हुआ. जितने लोग उतरने थे उससे ज़्यादा तो चढ़ ही गए थे हौस खास पर. सो फाइनली हमने सेंट्रल सिक्योरिटी पे चेंज करा मेट्रो, क्योंकि यहाँ से लाइन को चेंज करना होता है. जब हम मस्जिद अगर कोई जाता होगा तो उसे पता होगा. फिर फाइनली जब हमने दूसरी मेट्रो ली तो उस पर मुझे सीट मिल गए, एंड या आई एम वेरी हैप्पी. तो यहाँ मैं मेट्रो में इधर उधर कर रही हूँ क्योंकि फाइनली मुझे सीट मिल चुकी थी, इसलिए अब उसकी कोई वैल्यू नहीं थी ना. अब हम लोग उतर चुके हैं. गाइज इन लोगों ने सारी चीज़ें पहली बार देखी हैं, मेट्रो में भी पहली बार ही बैठे हैं ऐसा लग रहा है. या फाइनली हम लोग जामा मस्जिद के मेट्रो से बाहर आ गए हैं, और ये देखिए सुबह सुबह वक्त रोड की सफाई चल रही है. लोगों के वीक ऑफ होते हैं बट इन लोग के कहाँ. तो यहाँ तो जब जामा मस्जिद को दूर से देखा, इसकी गुम्बद और टावर नज़र आए थे, और यकीन जानिए क्या खूबसूरत नज़ारा था, और बहुत खुशी हुई देख के, क्योंकि इतने सालों बाद, एटलीस्ट 10-11 साल बाद मैंने वापस से जामा मस्जिद को देखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख कर. वैसे मैं वीडियो में तो देखती हूँ लेकिन अपने आँखों से देखकर बहुत अच्छा लगा. एंड यहाँ पर आसपास इस तरह की चीज़ें थी, छोटी छोटी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी. ऐसा लग रहा था यहाँ स्ट्रीट मार्केट जैसा बहुत सामान था. क्लच था, साइड बैग था, स्लीपर्स थे, एंड फ्लॉटर्स जो होते हैं फ्लिप फ्लॉप टाइप के वो थे,
एंड ये बहुत ही चीप रेट पे यहाँ पर अवेलेबल था। सो गाइज, अगर जामा मस्जिद देखने जाएँ तो सुबह के वक्त जाएँ एंड गर्मी में ना जाएँ, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी और बहुत तेज़ भी गर्मी लग रही थी। और यहाँ दस्तखान के तो कलेक्शंस बहुत अच्छे थे, जानमाज, तस्बीह, ये सारी चीज़ें जो थी बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। और रेदा जो होता है, जो लोग एक दुपट्टा ओढ़ते हैं, वो बड़े साइज़ का यहाँ पर और इस तरह हर कलर्स में था। एंड स्टोल्स की तो काफ़ी वैरायटी थी, हमने भी स्टोल्स की शॉपिंग करी यहाँ से, क्योंकि मैं जब बचपन में आती थी तब इतना ध्यान नहीं रहता था कि हाँ यहाँ पर शॉपिंग से रिलेटेड भी कुछ होगा या क्या, पता नहीं, मम्मी पापा के साथ रहती थी तो नहीं ध्यान रहता था। लेकिन अब जब होश संभाला, जब अब आई हूँ, तो पता चला यहाँ कितनी अच्छी क्वालिटी और वेराइटीज़ के सामान यहाँ अवेलेबल है। सो हमने यहाँ से दस्तखान भी लिया, यहाँ दस्तखान हर साइज़ के अवेलेबल थे, छोटे से छोटा दो लोगों के खाने के से लेकर बड़े से बड़ा दस्तखान। सो ओवरऑल यहाँ का मुझे मार्केट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग गेट ढूंढ रहे थे सिर्फ इस टाइम लॉकडाउन के बाद से, कोरोना के बाद से सिर्फ अब जामा मस्जिद का एक ही गेट ओपन हो रहा है, वो है गेट नंबर 3। एंड ये आप देख सकते हैं पुराने ज़माने में जिस तरह पहले सिवैयाँ बनाई जाती थी, हाथों से मशीन्स के थ्रू निकाला जाता था, वो था। सुरमेदानी थी, कुरान शरीफ रखने वाला बॉक्स था, एंड ये छोटे छोटे काबा शरीफ थे, कितने प्यारे लग रहे थे, बहुत ही अच्छे एंटिक पीस थे, हुक्का था। सो एंड बहुत ही अच्छा रेट था, बट बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि सारी चीज़ों को देखना और लेना मुनासिब नहीं हो पा रहा था, ये रिहल्स भी। और जैसे कि घर में कोई डेकोर आइटम्स हमें चाहिए, कोई वॉल पे जैसे हम पेंटिंग लगाना चाहते हैं, तो ये छोटी छोटी दुआएं अगर घर में लगाएं तो इसको हमारी नज़र भी पड़ेगी और हम लोग पढ़ेंगे भी और घर में बरकत भी बहुत होगी। तो यहाँ पे जो चीज़ें थी मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे गुड़गांव से निकल के इस जगह पर ऐसा लगा मैं अपने किसी इलाके में आ गई हूँ। और यहाँ डेट्स की वैरायटीज़ थी, आपको हर तरह के यहाँ खजूर मिल जाएंगे बहुत सारे, और सही रेट पर आपको मिल जाएंगे, खुले हुए भी थे, पैकेट वाले भी थे। और जो नॉन वेजिटेरियन जो फ्रेंड्स हैं, जिनको नॉन वेज बहुत पसंद है, उनके लिए तो यहाँ समझिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा जायकेदार लजीज, जो बहुत पुराने उस मसालों से बनता जो आ रहा है, वो सारा सामान यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से था। तो चलिए अब इस जीने को हम चढ़ के ऊपर जाएंगे जामा मस्जिद की और आगे बढ़ेंगे, अंदर का मुआयना करेंगे, अच्छे से एक्सप्लोर करूँगी क्या है कैसे है। सो धूप भी बहुत तेज़ हो गई थी, धूप की तपिश बहुत ज़्यादा थी गाइज, कि आज ये हो रहा था कि हम इस दिन क्यों आ गए हैं, बट नहीं, अब चलो आ गए थे तो मैंने सोचा अच्छे से एक्सप्लोर करूं, जो मेरे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उन दोनों को बताऊं कि जामा मस्जिद आखिर है क्या, कब बना है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको यहाँ जाके कैसा लगता है, आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं। तो इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए अंदर जाके इसका मुआयना करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग जामा मस्जिद के अंदर आ चुके हैं, और शूज़ और स्लीपर्स जो थी वो सारी बाहरी सबमिट हो चुकी थी। पहले ये होता था जब मैं बहुत छोटी थी, जब यहाँ आई थी, तो शूज़ और स्लीपर्स किसी पॉली बैग में डालकर हम अपने साथ अंदर ले जा सकते थे, बट अब अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं कि बाहरी सबमिट कर लिया और हम फ्रीली अंदर गए थे। तो जैसी ही मेरी नज़र जामा मस्जिद पर पड़ी, ऐसा लगा जैसे कि जो बहुत सारी फिक्रें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, एक बहुत ज़्यादा सुकून सा मिला। और हर एंगल से हम लोग देख रहे थे जामा मस्जिद को, हर एंगल से जामा मस्जिद इतनी खूबसूरत थी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी थी। इस पर जो नक्काशी थी, कारीगरी थी, वो तो बहुत ही पेचीदा और बहुत ही खूबसूरत थी, तो बहुत ही अच्छा। सो फ्रेंड्स, इस तरह मुझे सुकून मिल रहा था जामा मस्जिद को इतने करीब से देखकर, यहाँ पहुँच कर जितने भी फिक्र गम थे सब दूर चले गए थे, और इतना अच्छा लग रहा था, हर एंगल से जामा मस्जिद बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत लग रही थी। तो हिस्ट्री की हम आगे बात करेंगे, तो सबसे पहले आप इसके नज़ारे देखिए।
तो चलिए, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि मैं इंडिया के हिस्टोरिकल प्लेसेस को एक्सप्लोर करूं और यहाँ के मॉन्यूमेंट्स दिखाऊं, तो उन लोग के लिए प्रॉपर वीडियो है एंड जितना मुझे मालूम है मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। सो ये पुरानी दिल्ली यानी इंडिया की जो कैपिटल है, जामा मस्जिद वहाँ आबाद है और ये मुग़ल एम्परर शाहजहाँ ने बनवाया था और ये लाल किले से 500 मीटर की दूरी पर है और इसको बनाने का जो कॉस्ट, पूरा जो खर्चा हुआ था उस ज़माने में 1 मिलियन रुपीज़ के तकरीबन। तो बनी रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता चलेंगी जामा मस्जिद के बारे में। और मुझे एक्सप्लोर करके यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, इंसान अपने फिक्रों गम से आज़ाद हो जाता है, बहुत ही सुकून की जगह है। तो ये इसका हौज खाना है जहाँ पर सब लोग वज़ू बनाते हैं और ये हौज खाना जो है जामा मस्जिद के बिल्कुल बीचों बीच बना है, जिससे जामा मस्जिद का जो अक्स है इसमें बहुत ही बेहतरीन और अच्छा सा नज़र आता है। अभी इसका पानी बहुत ज़्यादा आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा होगा क्योंकि जस्ट लॉकडाउन और कोरोना जो पैंडेमिक चल रहा था इसके बाद हम यहाँ गए थे। तो लफ्ज़ों में मैं क्या बयां करूँ इसकी खूबसूरती, आप लोग इन्जॉय करिएगा मेरी वीडियो को और एंड में मैं आपसे बातें करूँगी बहुत सारी इसके बारे में। सो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कॉमेंट डाउन करिएगा अगर आप लोग जामा मस्जिद के बारे में क्या क्या जानते हैं। ये देखिए जामा मस्जिद का अक्स नज़र आता है, जो वज़ू खाना है इसमें कितना बेहतरीन और कितना खूबसूरत है। तो लॉकडाउन के बाद है तो पानी इतना क्लियर नहीं है, वरना ये जो हौज है ये बिल्कुल ही बीचों बीच बनाया गया है, जिससे कि जामा मस्जिद जो है पूरी की पूरी इसमें अच्छे से इसका अक्स नज़र आए। आप देख सकते हैं इसमें हमें हौज में एक फ़िश मिली देखने को, और जैसे ही हम लोग हाथ डाल रहे थे तो शायद इनको लग रहा था कि हम लोग कुछ खाना देने वाले हैं, तो ये तुरंत ऊपर आ रही थी और फिर नीचे चली जा रही थी। ये कौन सी फिश है, क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये लगा, बताइएगा कमेंट करके। ये भी हम लोग के साथ बहुत एंजॉय कर रही थी। तो चलिए, आप सारे जामा मस्जिद को हर एंगल से, हर तरफ से आप लोग जामा मस्जिद के नज़ारे इंजॉय करिए एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे क्या ज़बरदस्त नक्काशी की गई है और यहाँ आके इतना सुकून मिला, बहुत ही सुकून, इंसान अपने सारी परेशानियों और गम को दूर कर लेता है। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी, जितना मुझे मालूम था और मैंने कवर करना चाहा आप लोग के साथ शेयर किया है। सो आप देख सकते इस तरह से बिल्कुल फिक्स्ड वाइट मार्बल पर ब्लैक कलर के बॉर्डर्स बना के जानमाज बनाया गया है। सो पूरे ये टोटल नंबर्स जो हैं 899 हैं और ये मस्जिद का अंदर का है। आप देख सकते हैं जो रूम्स हैं वो कितनी ऊंचाई पर हैं और ये मेहराब जो है कितने खूबसूरत लग रहे हैं और इस पर जो नक्काशी है वो कितनी खूबसूरत है। तो जुमा के दिन इमाम बुखारी जो हैं वो आते हैं, जुमा की नमाज़ अदा होती है यहाँ पर। वीडियो में देख पा रहे होंगे कि इसका जो ये मेहराब है ये इस तरह से बना हुआ है कि एक मेहराब से आपको बाहर तक का मेहराब नज़र आ जाएगा और यहाँ पर आयतें लिखी हुई हैं।
गया है। सो गाइज यहाँ पर 25,000 पीपल एक मरतबा में नमाज को अदा कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा स्पेसिंग है और एक दूसरी तरफ से हमें लाल किला भी नज़र आता है और मैं आज मीनार में नहीं चढ़ूँगी। सो फ्रेंड्स धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और इस तरह से हर जगह एक जगह एक गेट से दूसरी गेट जाने के लिए दरी बिछा दी गई है, बट तब भी धूप बहुत तेज़ थी। तो चलिए अब मैं दूसरा नज़ारा दिखाती हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है, दूसरे गेट से दिखाऊंगी। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर लाल किला है। इतने बुलंद दरवाजे हैं यहाँ के सारे गेट के और आप देख सकते हैं इतनी पुरानी मस्जिद है, बट यहाँ आके ऐसा लगा कि मानो ज़्यादा दिन पुरानी नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ वैसी की वैसी है जो पहले थी। बट हाँ कोरोना के बाद अभी यहाँ पर थोड़ी माहौल जो था वो इतना भीड़ भाड़ वाला नहीं था। दूसरे गेट से मैं आपको दिखा रही हूँ लाल किला जो 500 मीटर की दूरी पर है, आप देख सकते हैं। और ये साइड में जो आपको नज़र आ रहा है वो पूरा मीना बाज़ार है, जहाँ पर हर टाइप का आपको स्ट्रीट मार्केट जैसा सामान मिल जाएगा ईज़िली अवेलेबल। जो ये इस तरह से अम्ब्रेला बने हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये पूरा मीना मार्केट है जो बहुत ही फेमस है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे सामान मिलते हैं। तो इस टाइम तो यहाँ का जो पत्थर था वो बहुत गर्म हो चुका था। हर एंगल से ही जामा मस्जिद बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन थी। तो आज तो हम लोग इसके मीनारों में नहीं गए हैं क्योंकि इस टाइम जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर हम मीनार में चढ़ते तो पूरी जो दिल्ली है, पुरानी दिल्ली पूरी नज़र आती, हर एक चीज़ आपको बहुत ही साफ और क्लियरली नज़र आता। सो फ्रेंड्स इसी तरह वीडियो को एंड करते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा जामा मस्जिद को एक्सप्लोर करके, क्योंकि मुझे जामा मस्जिद के बारे में जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिली और यहाँ आकर बहुत ही सुकून मिला। तो आप लोग को कैसी लगी मेरी वीडियो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।